ईद पर रिलीज हुई फिल्म भारत की सफलता के जश्न में डूबे सलमान खान की अगली फिल्म दबंग 3 होगी। इसके कलाकारों की टीम में एक नई एंट्री हो रही है। फिल्म दबंग में चुलबुल पांडे यानी सलमान खान के पिता का रोल धर्मेंद्र करने वाले हैं। दबंग की पहली कड़ी में चुलबुल पांडे के पिता का रोल विनोद खन्ना ने किया था। दबंग की तीसरी कड़ी के लिए चुलबुल पांडे की माँ के किरदार में डिम्पल कपाड़िया की वापसी की चर्चा हो रही थी, लेकिन फिल्म की टीम ने डिम्पल की वापसी की खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन धर्मेंद्र की एंट्री की खबर की पुष्टि कर दी है। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र की एंट्री की आधिकारिक घोषणा फिल्म के पहले पोस्टर की लॉन्च के वक्त की जाएगी। धर्मेंद्र के साथ सलमान खान के निजी संबंध काफी पुराने और घनिष्ठ रहे हैं। धर्मेंद्र ने सालों पहले सलमान के भाई सोहेल खान के निर्देशन में बनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम किया था। तब से ही सलमान खान की उनके साथ स्पेशल बॉन्डिंग हो गई है। पिछले साल धर्मेंद्र के साथ सनी और बॉबी की फिल्म यमला पगला दीवाना की सीक्वल में सलमान खान ने विशेष भूमिका निभाते हुए एक गाना किया था। अब भी फुर्सत मिलते ही सलमान धर्मेंद्र से मिलने पहुंच जाते हैं। मुंबई से दूर लोनावला में सलमान और धर्मेंद्र के फार्म हाउस आसपास हैं। इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली दबंग की तीसरी कड़ी में चुलबुल पांडे और रज्जो की जोड़ी में सलमान और सोनाक्षी होंगे मेन विलन का रोल। इस बार साउथ के स्टार संदीप निभा रहे हैं। प्रभु देवा फिल्म के निर्देशक हैं, जो इससे पहले सलमान खान के साथ वांटेड का निर्देशन कर चुके हैं। अरबाज खान फिल्म के निर्माता हैं और फिल्म में वे पिछली दो कड़ियों की तरह चुलबुल के सौतेले भाई मक्खी के किरदार में होंगे। We'll be right back.